हेलो फ्रेंड, अभी स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आपके लिए न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर ST SC OBC कैंडिडेट के लिए। तो जो ये वैकेंसी आपकी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी, अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी है। माइनिंग सिरदार, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन और डिप्टी सुपरवाइजर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फोरमैन के लिए वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आपकी 330 वैकेंसी है। इसी के साथ देखिएगा इसमें जो आपके क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। माइनिंग सिरदार में आपका 10th चाहिए। 10th के साथ आपका माइनिंग में जो भी आपने सर्टिफिकेट कर रखा है वो आपका मान्य होगा। इसके बाद आपका जो इलेक्ट्रीशियन है, 10th के बाद आप सभी को लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आती है उसमें 10th प्लस ITI होती है, 1 साल का या 2 साल की जो ITI आपने कर रखी है। डिप्टी सुपरवाइजर के लिए आपको 10th के बाद आपको जो मेट जो आपका इसके खान के अंदर जो एक सर्टिफिकेट मिलता है वो आपके पास है, तो इसमें भर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, आपको इसमें 10th के बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, तो आप लोग इसको फिल कर सकते हैं। आगे देखिएगा इसमें जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, आपके जो आपको इन हैंड जो सैलरी मिलेगी बेसिक पे रहेगा 31,852 रुपये रहेगा, यह चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपको मिलेगा। तो ST SC के लिए छूट है, एज रिलैक्सेशन 35 साल तक भर सकते हो और OBC आपका 33 साल तक इसमें भर सकते हैं। और आवेदन शुल्क जो है आपका 200 रुपये इसके अंदर आप इसका आवेदन शुल्क है। और जो चयन प्रक्रिया होगी CBT के बेस पे होगी। CBT बेस के लिए जो ST SC के कैंडिडेट हैं उनको वहाँ तक जाने के लिए जो भी किराया लगेगा 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उनको उसका किराया आपका जो भी फेयर लगा है वो दिया जाएगा। इसी के साथ जो ST SC के कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो 30 है और फॉर OBC कैंडिडेट के लिए 36 मार्क्स इसके अंदर क्वालिफिकेशन मार्क हैं। आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं इसके अंदर आपके लिए जो आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट हम बात करेंगे, अब जो भी आपकी लास्ट डेट जब कब रहेगी, तो ऑनलाइन आवेदन होने की तिथि है 30/3/2023 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19/4/2023। तो देखिए प्रवेश पत्र की तिथि 30 से मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं है आपके पास, तो आपके एग्ज़ाम भी टाइम से होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड CBT है जो आपका 5 मई को एग्ज़ाम है और परिणाम घोषणा 29/5/2023 को है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए काफ़ी, क्योंकि बहुत कम एग्ज़ाम ऐसी होती हैं जिनका टाइम से कभी कभी दिया जाता है, तो इसके अंदर आपको पूरा टाइम से वो दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। सिलेबस इसमें आपका दे रखा है कि सिलेबस भी आपको दिया हुआ है, क्या क्या सिलेबस इसके अंदर आपका आएगा। और जो इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट फॉर्म इलेक्ट्रिकल है उनके लिए भी सिलेबस दे रखा है, देखिएगा आप पूरा इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम सेंटर आएंगे हजारीबाग, रांची और जमशेदपुर, इस इधर की तरफ आपके एग्ज़ाम सेंटर आएंगे, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें। तो इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके आप फिल करिए, यदि आपने फिल नहीं किया है तो। और अपने जो भी दोस्त हैं या फ्रेंड हैं जिनको जो भी आपके रिलेशन में या कोई भी कैंडिडेट हैं उनको ये भेजिए, क्योंकि काफ़ी लोग डिप्लोमा किए होते हैं पता नहीं रहता है, तो टाइम टू टाइम इस फॉर्म ऐसे फॉर्म निकले हैं तो उनको भरें और जॉब जल्दी जॉब पाएँ। इसी के साथ यदि आप चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।